हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना पर बने हुए हैं। चलिए, दही जमाने की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और जब आप ये तरीका जान जाएंगे, आप इसी तरह से दही जमाएंगे। ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, बस अपने एक्सपीरियंस से, डेली घर में दही बनाने से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस कंडीशन पर दही सबसे अच्छा, सबसे मीठा जमेगा। तो दही बनाने के लिए सबसे पहले हमने सुधा का 1/2 लीटर का स्किम्ड मिल्क का एक पैकेट लिया है। अगर अच्छा मलाईदार गाढ़ा दही बनाना चाहते हैं तो फुल फैट क्रीम वाला दूध लें, उसका ज़्यादा सॉलिड दही बनकर तैयार होगा। तो इसे अब सबसे पहले हमें उबाल लेना होगा। और गाढ़ा दही बनाने के लिए 5-6 मिनट तक इसे उबालते रहें ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो जैसे ही बॉयल आएगा, मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और दूध को ठंडा होने दूंगी। अब दूध में इतनी गर्मी होनी चाहिए कि ना तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाए और ना इतना गर्म हो कि उंगलियां जले। बस उंगली डालने पर जब उंगली में गर्मी तो लगे लेकिन उंगली जले नहीं, वो कंडीशन दही जमने के लिए बिल्कुल सही होता है। तो आप देख सकते हैं कि दूध में हल्की सी मलाई आ चुकी है और दूध उबलने लगा है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है और 5 मिनट तक मैं इसे यूं ही उबलने दूंगी धीमी आंच पर। फिर ठंडा होने के बाद इसमें जोड़न डालना है। क्या आपने सोचा है जोड़न डालने से दही जमता क्यों है? जोड़न में लाइव बैक्टीरिया होता है जो दूध में जाने के बाद इस दूध को अपना घर समझ लेता है, उसी में वो रहने लगता है और अपना परिवार बढ़ाता है, यानी वो मल्टीप्लाई होने लगता है। तो जब हम दूध में जोड़न डालते हैं और दूध की गर्मी सही होती है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया उसमें फलने फूलने लगता है, अपना परिवार बढ़ाता है और दूध के कंडीशन को चेंज कर देता है, यानी वो जम जाता है और हम कहते हैं दूध जम गया। अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो लाइव बैक्टीरिया उसमें जल जाएंगे और दूध में जामुन डालने के बाद दूध जमेगा नहीं बल्कि फट जाएगा। इसी तरह से अगर दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो, फ्रिज का रखा हुआ हो या कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, तो दूध में जोड़न डालने के बाद क्या होगा? आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि कई बार जाड़े में जब सुबह उठ के आप दही खाना चाहते हैं तो देखते हैं दही जमा नहीं। दरअसल बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इसके जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जोड़न के, वो सो जाते हैं, वो आलस उनमें आ जाती है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है। इस वजह से जामुन ठंडे दूध में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और दही आपकी जमती नहीं। तो हम दूध को उस कंडीशन से बचाने के लिए इसमें सही गर्मी या सही ठंडा डालेंगे और कभी कभी ये सर्दी या गर्मी हमें क्रिएट करना पड़ता है, यानी कड़ाके की सर्दी में हमें दूध को गर्म करने की व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा कि लोग माइक्रोवेव में रखते हैं, किसी गर्म जगह में रखते हैं या हॉट पॉट में रखते हैं। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो हम उसे डाइनिंग टेबल पर हल्का सा ढक्कन खोलकर जमने के लिए रखते हैं। यहाँ पर मैंने कल के दही से 1 टेबल स्पून दही निकालकर जोड़न के लिए रख लिया था। अब ये जोड़न भी अगर आपका खट्टा होगा तो दही आपका खट्टा जमेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दही जमने के साथ ही 1 टेबल स्पून आप जोड़न के लिए दही निकाल लें। और 1 kg दूध का अगर आप दही जमा रहे हैं तो भरकर 1 टेबल स्पून जोड़न काफ़ी होगा। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब पानी मिला देना है ताकि ये थोड़ा लिक्विडी सा हो जाए, रनिंग सा हो जाए।
थोड़ा सा और डाल लेते हैं। बस यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, आप करते करते इन चीज़ों को सीख लेते हैं। अब हम यहाँ पर दो तरह से दही को जमाने वाले हैं। एक तो ये हमारे पास लगभग 150 ml का छोटा सा पॉट है, ये सेरेमिक पॉट है और इसकी एक ढक्कन भी है, और ये एक शीशे की छोटी सी कटोरी है जिसमें लगभग 100 ग्राम दूध आता है। हलवाइयों वाले बड़े से सेटअप में दही को जमाते हुए दिखाना तो बहुत आम सी बात है, लेकिन हर आदमी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दही नहीं जमाता है। आम आदमी के पास थोड़े से दूध होते हैं और वो इन्हें बचा बचा कर कई काम लेता है। तो हमारे पास भी ये 150 ml का सेरेमिक पॉट है, तो इसमें अब जिस दूध को हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो दही जमाने के लायक ठंडा हो चुका है और उस पर एक पतला सा मलाई भी आ चुका है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा दूध लेते हैं और इस पॉट में डाल देते हैं। तो हमें इसमें इतना दूध डाल लेना होगा कि थोड़ी सी जगह जोड़न के लिए बची रह जाए। अब जो मलाई है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये दूसरी कटोरी दूध की जो है वो हमने अमूल ताज़ा के टेट्रा पैक से लिया है, और इसकी ये खासियत है कि इस दूध को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। आप दही जमाने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डायरेक्ट पैकेट खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दूध की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा अमूल ताज़ा का टोंड मिल्क है। और इस दूध की यही खूबी है कि आपको इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं। तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन्हें दही खाने का दिल करे, या जो वर्किंग वेमेन है या जिनके पास वक्त की कमी है वो इसे डायरेक्ट ही बिना गर्म किए हुए दही जमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का दूध है, ये गर्म है तो इसे मुझे रूम टेम्परेचर पर लाना है, और ये ठंडा है तो इसे भी मुझे रूम टेम्परेचर पर लाना है। तभी इसमें जोड़न डालने पर बैक्टीरिया इसमें डेवलप करेगा। तो थोड़ा देर वेट कर लेने से ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो चलिए, अब दूध सही टेम्परेचर पर आ चुका है, हम इसमें जोड़न डालते हैं। यहाँ पर हमने 1 teaspoon भर कर जोड़न दिया है और इसे आहिस्ता से डाल देना है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलिए, ये इतना जोड़न इतने दूध के लिए काफ़ी है। ये नहीं कि गाढ़ा दही बनाने के लिए हमें ज़्यादा जोड़न डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे वाले में भी डालते हैं। अब इस थोड़ी सी बची हुई दही को इसमें डाल देते हैं और देखिए बस इसे इतना ही करना है। अब मैं इसे फ्रिज के ऊपर रख दूंगी। फ्रिज के ऊपर रखने का भी एक पर्पस है। फ्रिज के टॉप पर हल्की सी गर्मी रहती है और 3-4 घंटे के बाद उस पर रखे रहने से ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से ढक कर रखूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी गर्मी निकलती रहे, और इसे भी हल्का सा ढक देना है। लेकिन उससे पहले फास्ट दही जमाने के लिए हम इसमें डालते हैं मिर्ची की 2 डंठल, और यहाँ पर हम इसमें 1 डाल देते हैं। इससे दही 2.5 से 3 घंटे में ही जमकर रेडी हो जाएगा। और इसके पीछे ये साइंस है कि मिर्ची की डंठल पर बैक्टीरिया सबसे पहले अपना जमाव करता है और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। तो जहाँ पर मिर्ची की डंठल होती है वहाँ पे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और दही तेज़ी से जम जाता है। तो अब हम इसे ढक देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा खुला और थोड़ा सा बंद, ताकि इसकी गर्मी और फ्रिज के टॉप की गर्मी से ये फट ना जाए।
तो ना ये जल्दी ठंडा होगा और ना ये ज़्यादा गर्म रहेगा। और अगर इसे ही हम जाड़े के दिन में बनाते हैं तो हम इसे पूरी तरह से ढक देते हैं और फिर इसे हॉट पॉट में रखकर तौलिया से लपेट देते हैं और फिर सारी रात पड़े रहने के बाद जाड़े के दिन में ये बिल्कुल जम जाता। मगर अभी कंडीशन दूसरी है और गर्मी का दिन है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फ्रिज के टॉप पर रख दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं दही के जमने के बाद। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने 4 घंटे के बाद दही को फ्रिज के ऊपर से उठाकर लाया है। ये तो 3 घंटे के बाद ही सेट हो चुका था, लेकिन इसे चूँकि मैंने कच्चे दूध से, फ्रिज के दूध से बनाया था और रूम टेम्परेचर पर आने में इसमें थोड़ी कमी रह गई थी, तो इसे मुझे स्टेबलाइज़र पर 1/2 घंटा रखना पड़ा है। तो अब मैं तो सबसे पहले मैं आपको इससे निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए, ये मलाई का टुकड़ा है जिसे मैंने बाद में ऊपर से डाला था और ये हमारा टोंड मिल्क है, डबल टोंड मिल्क है, तो इसमें थोड़ा सा पानी रहना वाजिबी है। देखिए, ये जो जमा है बेहतरीन दही है और सिर्फ ये 3 घंटे के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इस डंठल को निकाल देना है। बहुत ही मज़ेदार ये दही होता है, आपने टेस्ट किया होगा, घर का बना हुआ दही, फ्रेश दही, हल्का सा खटास, बिल्कुल हल्का सा जो दही का स्मेल होता है। और दही जमे हुए दही के लिए ये कहा जाता है कि ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा दही खाना चाहिए, वो भी हेल्थ के लिए सही नहीं है, और ना ही कच्चा पक्का दही खाना चाहिए, यानी जो अभी पका नहीं है, जो अभी सेट नहीं हुआ है और आप फौरन उसे निकाल कर कच्चा कच्चा सा खा लें तो वो ना दूध होता है ना दही होता है, वो बिल्कुल हज़म नहीं होता है, वो फटा हुआ दूध होता है। और ये दूध जो हमने अमूल ताज़ा से बनाया था बिना बॉयल किया हुआ, ये देखिए, ये ज़बरदस्त दही खासकर उन बच्चों के लिए जो वर्किंग है, बाहर जाते हैं, अगर वो घर में दूध में थोड़ा सा जामुन डालकर चले जाएं तो जब वो वापस आएंगे तो उन्हें ये बेहतरीन दही मिलेगा जो कि बिल्कुल नेचुरल ढंग से जमाया गया है, कोई केमिकल नहीं है, अपने घर का बना हुआ ये दही है। इस दही को खाने से आपको विटामिन सी की पूर्ति भी होगी, ए और डी भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप दही में एक्स्ट्रा मिठास चाहते हैं तो 1/2 लीटर दूध में 2 टीस्पून भरकर मिल्क पाउडर घोलकर मिला लें उबाल आने से जस्ट पहले, तो आपका दही गाढ़ा भी जमेगा, मीठा भी होगा और सफ़ेद भी बनेगा। ये छोटी सी टिप्स है, तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाय बाय।